Certo. सो अटेंडेंस में अरे आज हुई है ना, नहीं हुई, रोज होती है, आज भी हुई है, कौन कह रहा नहीं हुई, टेंडर सब की हुई है, कल जो नहीं आए थे आज फाइन पे करके एंटर हुए, टेंडर्स नहीं हुई तो इंश्योर आपने करवानी है, मैंने नहीं, किस टाइमिंग का क्लैश, कितने बजे होता है, 10 मिनट्स, 10:30 तक बंदा बाहर खड़ा होगा, और सॉरी 12:30 तक, 12:30 तक, अभी 30 में है, वो वही भी खड़ा है, चले चले कल से 12:30 तक अगर आप एंटर होंगे तो अटेंडेंस होगी, आफ्टर 12:30 अटेंडेंस नहीं होगी, डन, ओके, वापस आ गए। सो ये फाइन शाइन पे किसी को मसला तो नहीं है कोई, टेस्ट ना देने पे हम फाइन कर रहे हैं, क्लास में ना आने पे हम फाइन कर रहे हैं, टेस्ट फेल होने पे भी हम फाइन करेंगे, उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट में जाके बैठ जाते हैं और खाली पर्चा दे के आ जाते हैं, अटेंडेंस लग गई, फाइन से बच गए, ठीक हो गया। चलें इस तरह करते हैं, टेस्ट 50 से 75% के बीच में अगर आप फेल करेंगे तो फाइन नहीं सिर्फ 20, हाँ अगर आप 50% से नीचे फेल करते हो तो फिर फाइन है, डन, ओके, डन हो गया। सो फाइन होगा 50% से नीचे, 50 से 75% के बीच में सिर्फ 20। चलें, किसी को वैसे टेंशन मसला तो नहीं है इस चीज से, किसी को मसला हो ये फाइन सिस्टम से, प्लीज रेज योर हैंड जिनको मसला है, प्लीज ये रेज योर हैंड जिनको मसला है, है आपको मसला, दो बैचेस और चल रहे हैं, एक C2 है, एक C4 है, C1 C3 छोड़ के C2 C4 वहाँ पे ये नहीं मसला होगा, ठीक है, आप क्लास में आओ ना आओ कोई नहीं पूछेगा, टेस्ट दो या ना दो कोई नहीं पूछेगा, कोई फाइन शाइन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक हो गया, बड़े स्कून में वहाँ पे चलते रहोगे, C2 और C4 में आप शिफ्ट करवा सकते हो, C1 C3 में ये मसले रहेंगे, वहाँ पे कोई भी होगा अच्छा टीचर होगा, कमऑन क्या हो गया, मैं नहीं होगा, मुझसे कोई अच्छा टीचर होगा। वापस आगे, हम चैप्टर 1 में के थ्योरीज और मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे, अभी तक हमने 5 क्लासिकल थ्योरीज कवर कर ली, 5 क्लासिकल थ्योरीज, एक न्यो क्लासिकल, मिला के 6, फिर मॉडर्न राइटर मिले तो हमने 5 मॉडर्न राइटर्स की थ्योरीज कवर की, पीटर ड्रकर, रोजाबेथ मोस कांटर, हेनरी मिंसबर्ग, विलियम उची, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, और एक लास्ट थ्योरी कल हमें मिली, ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च OR टेक्निक्स क्या हैं, डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो बिजनेस में हमें हेल्प देंगी डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि बिजनेस को मैनेज करना है तो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या डिसीजन मेकिंग में कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल मीन एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च बेस्ड हैं तो हेल्प देती हैं बिजनेस को मैनेज करने में। और कितनी टेक्निक्स हैं, कुछ 7 टेक्निक्स हैं, नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी,
क्या आएंगे थ्योरी? और क्या था? सिमुलेशन। और यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया, पीछे रह गए तीन कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल लॉजिक मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये हमने कल चार कवर कर लिए, नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, सिमुलेशन। मिस क्या थी ये नेटवर्क एनालिसिस? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मिस गुड, मिस क्यों करना है ये? टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। गुड, एग्जिस्ट इन द प्रोजेक्ट। एक पॉइंट रह गया, इट हेल्प्स कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव। मैडम मिस गेम थ्योरी क्या थी? Outcomes of the actions. Miss, दो टाइप की गेम क्या थी, एक्सप्लेन करें। गुड, मिस क्यूइंग थ्योरी क्या थी? मिस सिमुलेशन क्या थी? गेम क्यूइंग थ्योरी की एप्लीकेशन बताएं, चार एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी। Reducing means क्या थी application of queuing theory? आप खुद क्यों नहीं घूम गई? सर queuing theory की application क्या थी? Improving the traffic flows और reducing the time of class call center. Okay, चार application। कम ऑन सर, एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्या थी? इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो। या गुड, इम्प्रूविंग शिपिंग मोर एफिशिएंटली। यस, फोर्थ वन सर, एप्लीकेशन ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्या थी? इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो। गुड, मोर एफिशिएंटली। फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, शॉप्स। सर सिमुलेशन क्या थी? सर सिमुलेशन क्या थी? एक्सपेरिमेंट,
लर्न कर, अभी सुनता हूँ मैं, लर्न कर। हाँ सर, क्या थी सिमुलेशन? हाँ तो आज का सीआर कौन था? मेरी सिमुलेशन क्या थी? Leading by example. हाँ तो लीडर की हालात है, क्लास की क्या हालात होंगे? इधर नोट्स ठीक घूम रहे हैं सर, क्या थी सिमुलेशन? Building a model and conducting experiments in that model and building, evaluating a behavior and making strategic decisions on that basis. Third, different performing different hypotheses, different scenarios. Good. Predicting prior to making decision in the future. Good. चार application और simulation क्या थी सर? कंप्यूटर नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इस और एप्लीकेशन क्या थी सिमुलेशन की? गुड। कैश फ्लो एनालिसिस, चलें आगे चलते हैं। सो ऑपरेशन रिसर्च की हम बातें कर रहे थे कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प देती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या डिसीजन मेकिंग में। आ जाओ, वापस हो गया। तो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है तो उसमें हमें हेल्प देगा नेटवर्क एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग बेस्ट वे में कैसे करनी है कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए तो उसमें माई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है गेम थ्योरी। अगर डिलेज आ रहे हैं, कंजेशंस आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें अप्लाई करनी है, नहीं हम कोई काम करने जा रहे हैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उस पर एक मॉडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और वो कौन कहता है? सिमुलेशन। पीछे रह गए तीन कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो क्या करो, एक रिलेशनशिप डिफाइन करो डिफरेंट वेरिएबल्स का, कंपोनेंट्स का, पैरामीटर्स का। लाइक आप अगर प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो एक रिलेशनशिप डिफाइन करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी यूज होनी है। मीन एक चीज़ बनानी है तो उसमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, कितनी लेबर यूज़ होगी, कितने ओवरहेड यूज़ होंगे, ये एक क्या करो रिलेशनशिप, मीन एक फार्मूला बना के चलो। क्यों? जब फार्मूला बन जाएगा और आपको पता चला एक चीज़ में इतनी तरह यूज़ होना है तो 100 में कितना यूज़ होगा, क्या करोगे? फार्मूला में सिर्फ क्वांटिटी पुट करोगे, बाकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। नहीं, 50 में कितना यूज़ होगा, फार्मूला में क्वांटिटी पुट करोगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके सामने आ जाएंगी, जिसकी बेस पर डिसीजन लेना ज़्यादा इजी होगा। या पता चला एक प्रोडक्ट में इतना मटेरियल, इतने ओवरहेड, इतनी लेबर है और मंथली हमें इतने यूनिट बनाने हैं, जिसमें हमें इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतने ओवरहेड चाहिए। अब पता चला कि पीछे से मटेरियल कम हो गया। सपोज हमें मंथली मिल रहा था 100 kg, अब मिलेगा 70 kg, तब 70 kg में कितने यूनिट बनेंगे? क्या करेंगे? फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला आपको बताएगा 70 kg में कितने यूनिट बनेंगे। क्यों? ये चीज़ें आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो कोई भी काम करने जा रहे हो तो क्या करो,
आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करो ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, वेरिएबल, कंपोनेंट्स, ताकि आप क्या कर सको, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर सको, ताकि अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो आप उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको। पढ़ के देखेंगे, एक बात की गई मैथमेटिकल लॉजिक में। सो क्या कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, वेरिएबल, पैरामीटर्स विद इन समथिंग दैट इज बीइंग मॉडल्ड, द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ वर्डेड स्टेटमेंट इनटू सिंबल्स। मीन क्या करना है, फार्मूला में डिफाइन करना है चीजों को, टू फाइंड वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय यूजिंग बेसिक्स ऑफ मैथ्स। यूजेज क्या है, टू वैल्यूएट डिफरेंट सॉल्यूशन। मीन एक चीज में इतनी इतनी लगेंगे तो 100 में कितने लगेंगे, 50 में कितने लगेंगे, तो डिफरेंट सॉल्यूशन आप इवैल्यूएट कर सकते हो। टू कंस्ट्रक्ट द कंसंट्रेंट्स, कंसंट्रेंट्स का मतलब क्या था, लिमिट्स, कंसंट्रेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, लिमिट्स दैट रिस्ट्रिक्ट फिजिबल वैल्यूज। मीन इतना मटीरियल, इतनी लेबर, इतना ओवरहेड 100 के लिए में चाहिए, लेकिन अगर मटीरियल पीछे से लिमिट लगी इससे ज़्यादा है नहीं, तो फिर उसमें आप कितने यूनिट मैक्सिमम बना सकोगे, क्या करोगे, उस रिलेशनशिप में पुट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना ये लर्न करना, ऊपर से डेफिनेशन और नीचे दो इसके यूसेज। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो क्या करो, उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं, हर सॉल्यूशन के थ्रू वो काम परफॉर्म करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो और देखो उनमें से कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वे है, मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन है, वो क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो वो चूज करके आप जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करो। मीन वही साइंस ऑफ वर्क जो टेलर ने बात की थी, कि काम करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट क्या करना है, मोस्ट एफिशिएंट वे निकालना है। तो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन भी यही कहता है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है किसी भी काम का, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के थ्रू ही चलना है। क्यों, इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट, और मिनिमाइज होगी क्या, कॉस्ट, लॉस या रिस्क। तो क्या है मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एलिमेंट अगेंस्ट सम क्राइटेरिया फ्रॉम सम सेट ऑफ वेरिएबल अल्टरनेटिव्स, आइदर मैक्सिमाइजिंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, आर मिनिमाइजिंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट, अ रियल फंक्शन बाय सिस्टमैटिकली सिलेक्टिंग इन इनपुट वैल्यूज फ्रॉम विद इन अ फिजिबल रेंज। मीन आपके पास जो रेंज है, मीन ऑप्शंस हैं, तो क्या करना है, उनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, टू सिलेक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल मीन एफिशिएंट या बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैनेजमेंट साइंसेज में, मीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जा सकता है बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, मैथमेटिक्स में डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके देखा जाएगा बेस्ट फार्मूला कौन सा है जिसमें शॉर्टेस्ट वे में आंसर निकाला जा सकता है, या फिर कंप्यूटर साइंसेज में कि मसला है तो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बेस्ट वे में रिजॉल्व होगा, एक्सपेरिमेंट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। सो मैथमेटिकल लॉजिक क्या कह रहा है, कोई भी चीज मॉडल जो आप करने जा रहे हो उसमें क्या करो, डिफाइन करो रिलेशनशिप ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएबल, कंपोनेंट, मीन वर्डेड स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, फार्मूलाज में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, ताकि आप इवैल्यूएट कर सको डिफरेंट सॉल्यूशंस को, ताकि आप इवैल्यूएट कर सको इफ एनी कंसंट्रेंट्स एग्जिस्ट। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या कह रहा है, सिलेक्शन करनी है किसकी, बेस्ट मेथड्स की फ्रॉम अवेलेबल सॉल्यूशन, किस लिए, टू मैक्सिमाइज समथिंग फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, और टू मिनिमाइज समथिंग फॉर एग्जांपल कॉस्ट। एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैनेजमेंट साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या कहता है, कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो क्या करो, उस चीज को आप कन्वर्ट कर लो इनटू डिफरेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टेबल, ट्रीज, ग्राफ। इन कोई भी काम करने से पहले क्या करो, उसको कन्वर्ट करो किसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। मीन कोई टेबल बना लो, कोई ग्राफ बना लो, कोई ट्री बना लो। क्यों, टेबल ग्राफ के थ्रू चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शायद अच्छी तरह से उसे एनालाइज भी कर सकते हैं, जिसकी
कि बेस पर डिसीजन मेकिंग में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मैंने एक चीज़ ऐसी ही अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, तो बजाय इसके आप क्या करो, उसका कोई टेबल बना लो, कोई ग्राफ बना लो, कोई चार्ट बना लो, बार्स बना लो, जिसके थ्रू आप इजीली कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग? डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ, इक्वेशन, टेबल्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा। क्यों? टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट एंड इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट कम्पोनेंट्स, इसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो डिफरेंट कम्पोनेंट्स को। टू मेक प्रडिक्शन अबाउट बिहेवियर, और उसकी बेस पर प्रडिक्शन मीन अनालिसिस जो है वो ईजी हो जाएगा। तो तीनों मिल के ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले किसी मैथमेटिकल फार्मूला, मीन कंपोनेंट्स वेरिएबल्स का एक रिलेशनशिप डिफाइन कर लो। नहीं, कोई भी काम करने से पहले क्या करो, बेस्ट सॉल्यूशन उसका फाइंड कर लो फ्रॉम अवेलेबल सॉल्यूशन। नहीं, कोई भी काम करने से पहले क्या करो, कन्वर्ट कर लो किस चीज़ में, मैथमेटिकल लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट में, मीन टेबल ट्रीज डायग्राम में। क्यों? बेस्ट वे में काम को चलाने के लिए फार्मूला बना लो, या उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लो, या फिर किसी टेबल ट्रीज डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ज़्यादा ईजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। सो मिला के ये कोई 7 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए। नेटवर्क एनालिसिस 8 पॉइंट, गेम थ्योरी 3 पॉइंट थ्रू टाइप्स ऑफ गेम्स, क्यूइंग थ्योरी 3 पॉइंट और साथ 4 एप्लीकेशन। क्या आती 4 एप्लीकेशन? इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो, शिपिंग ऑर्डर मोर एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग कॉल पर टाइम कॉल इन अ कॉल सेंटर, इम्प्रूविंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन हॉस्पिटल शॉप्स फैक्ट्रीज। सिमुलेशन क्या थी? 4 पॉइंट और 4 एप्लीकेशन। क्या थी 4 एप्लीकेशन? बिजनेस कैश फ्लो एनालिसिस, गवर्नमेंट इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैंडलिंग और मैनेजमेंट साइंसेस। सो मैथमेटिकल लॉजिक क्या थी? डेफिनेशन और 2 यूजेज। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? डेफिनेशन और 3 यूजेज। मैनेजमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? एक डेफिनेशन और 2 यूजेज। अगर एग्जामिनर कह दें कि नहीं आप एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च लिखें, इन कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च अप्लाई होती है, तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, तो ये सारी लिस्ट बना दो। ये क्या हो गई? एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सो हैं क्या ये कोई एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग में हेल्प देती हैं? क्या ख्याल है? वो कहते हैं इन सारी टेक्निक्स को कंबाइन किया जाए, तुम्हारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच आती है। होलिस्टिक मीन लॉजिकल अप्रोच आती है, और वो लॉजिकल अप्रोच क्या है? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि एक प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं आपने वो देखने हैं। कैसे देखने हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने देखने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो आपने सॉल्यूशन पॉसिबल देखे उनमें से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपने चूज करना है। अब वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उसमें भी आपने क्या करना है? सिमुलेशन अप्लाई करनी है, मीन एक एक्सपेरिमेंट मॉडल बना के अप्लाई करना है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने निकाला ये भी बेस्ट है या नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिलके हमें क्या दे रहे हैं? एक लॉजिकल होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच क्या है? 3 स्टेप्स कि क्या करना है आपने, पॉसिबल सॉल्यूशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर आपने क्या करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन बेस्ट सॉल्यूशन, एफिशिएंट सॉल्यूशन उनमें से चूज करना है। स्मॉलर सबसेट, स्मॉलर मीन कम से कम टाइम में परफॉर्म करने वाला सॉल्यूशन कौन सा है। अब वो जो ऑप्टिमल फाइंड कर लिया है ये भी ठीक है, यानी उस पर क्या अप्लाई करना है? सिमुलेशन, मीन एक मॉडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है, अगर उसमें भी कोई इश्यूज हैं तो वो भी क्या करने हैं? रिजॉल्व कर लेने हैं। तो क्या है होलिस्टिक अप्रोच के 3 स्टेप्स? नंबर 1, डेवलप अ सेट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। दिस मे इंक्लूड मैनी इटरेशंस, इटरेशंस बोलते हैं रेपिटिशंस को, ऑफ सॉल्यूशन, मीन हर सॉल्यूशन के थ्रू आपने रिपीट करना है, मीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। स्टेप 2, एनालाइज द अल्टरनेटिव डिराइव्ड इन स्टेप 1।
मीन स्टेप वन में जो आपने पॉसिबल सोल्यूशन निकाले उनको एनालाइज करना है टू आइडेंटिफाई अ मच स्मॉलर सबसेट ऑफ मोस्ट लाइकली वर्केबल सोल्यूशन, मीन कम से कम टाइम में परफॉर्म होने वाला सोल्यूशन। स्मॉलर सबसेट का मतलब क्या है, कम से कम टाइम में परफॉर्म होने वाला सोल्यूशन, मीन ऑप्टीमल सोल्यूशन निकालना है। एंड स्टेप थ्री, अप्लाई सिमुलेशन टू द अल्टरनेटिव डिराइव्ड इन स्टेप टू। और स्टेप टू में आपने क्या ड्राइव किया, ऑप्टीमल सोल्यूशन, तो उस पर क्या करना है, सिमुलेशन अप्लाई करनी है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सोल्यूशन कि ये भी बेस्ट है या नहीं। इफ पॉसिबल दिस शुड बी टेस्टेड आउट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जैसे वो इथरो एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या किया था, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में सिमुलेशन अप्लाई की थी विद द साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस टेक्निक्स अप्लाइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये तीन स्टेप भी हमें लर्न करने हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है। इसके नीचे गए तो ऑपरेशन रिसर्च इन प्रैक्टिस, मीन ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे अप्लाई होती है, तो वही क्यूइंग थ्योरी के चार पॉइंट, सिमुलेशन के चार पॉइंट और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के तीन पॉइंट। ये मिला दो सारी लिस्ट क्या बन गई, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जब कहता है कहाँ पे अप्लाई होती है, कंप्यूटर साइंसेज में, एनालिटिकल मीन मैनेजमेंट साइंसेज में, या मैनेजमेंट टू आइदर मैक्सिमाइज समथिंग, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, यील्ड, यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस। ये यील्ड क्या होती है, आउटपुट, यील्ड मीन आउटपुट, आर मिनिमाइजिंग समथिंग फॉर एग्जांपल लॉस, कॉस्ट और रिस्क। और कहाँ पे अप्लाई होती है, लाइक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग में नेटवर्क एनालिसिस यूज होती है, राउटिंग फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट आर पीपल, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन प्रोडक्ट की सप्लाई को मैनेज करना, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है, शेड्यूलिंग फ्लाइट की शेड्यूलिंग, क्यूइंग थ्योरी अप्लाई होती है, डिटरमाइनिंग ऑप्टीमल प्राइसेस, कैसे निकालेंगे ऑप्टीमल प्राइसेस, थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी एप्लीकेशन अगर एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या ख्याल है, वही क्यूइंग सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से जो पॉइंट हैं वो मिक्स करके सारे लिख दो, क्या बन गई एप्लीकेशन। इसके नीचे ये छोटा सा टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इशू। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इशू, मीन मसला क्या है ऑपरेशन रिसर्च के साथ। कहते ऑपरेशन रिसर्च ठीक है, टेक्निक तो हमें बता दी गई है, बिजनेस में हमें अप्लाई करनी है, लेकिन अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जिन्होंने ये टेक्निक पढ़ी हुई है, क्या ख्याल है। अगर किसी बंदे को पता ही नहीं नेटवर्क एनालिसिस का मतलब क्या है और कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है नेटवर्क एनालिसिस, कहाँ पे अप्लाई होगा, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, क्या ख्याल है। अगर पता ही नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए अप्लाई होता है रादर दैन डिलेज को अवॉइड करने के लिए, क्या ख्याल है, तो फिर क्या अप्लाई होगी, नहीं। तो मसला क्या है कि टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ हैं तो फिर ये टेक्निक बिजनेस में अप्लाई होंगी, वरना अप्लाई नहीं होंगी। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया हुआ, ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट लोगों का अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें कौन लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, वो बिज़नेस को ये अप्लाई करने में हेल्प देते हैं। क्यों, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपर्ट लोगों की कॉस्ट बेयर कर सकती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती, तो वो फिर क्या करती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आउटसोर्स करती हैं ये सर्विसेज। आउटसोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नली बाहर से लेती हैं, बाहर से कहाँ से लेंगी, कंसल्टेंसी फर्म से, और वो कंसल्टेंट कौन होंगे, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। सो ऑपरेशन रिसर्च के साथ मसला क्या है कि ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट लोग होंगे जो टेक्निक अप्लाई होंगे, एक्सपर्ट लोग कौन, जिन्होंने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, जिनको पता है ये कैसे अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। कुछ चीज़ बनाने जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपने ये करना है, नहीं प्रोजेक्ट मैनेज करने जा रहे हो तो फिर आपने ये करना है, नहीं बिजनेस के अंदर मसले आ रहे हैं तो फिर, नहीं डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं तो फिर, गेम थ्योरी। ऑब्वियसली मतलब पता होगा तो अप्लाई होंगी, अगर मतलब ही नहीं पता तो फिर अप्लाई भी नहीं होंगी। जो एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपना सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं ये स्किल्स, कैसे, थ्रू आउटसोर्स।
किसको आउटसोर्स करेंगी, किसी ब्योरैक्स, ब्योरैक्स का मतलब क्या है, कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म कौन होगी, ऑडिट फर्म ही कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं, कौन होंगे उसके अंदर, हम लोग होंगे कल को जब जाएंगे फर्म में। सो बाय इट्स नेचर ऑपरेशन रिसर्च रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर विच ऑफन इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉइंग ऑफ स्पेशलिस्ट, दिस कैन ऑफ कोर्स बी कॉस्टली, सो इट इज नॉर्मली सीन आइदर एज एन इंटरनल डिपार्टमेंट विद इन अ लार्ज कंपनी आर एक्सेस्ड वाया एन आउटसोर्स्ड आर ब्योरैक्स, ब्योरैक्स मीन कंसल्टेंसी फर्म्स, क्यों उनसे जितना आपने काम लेना है उतना ही पे करना है, रादर देन ये एक्सपर्ट लोगों को बिठा के पूरा साल पे करते रहो, पूरा साल पे करना अच्छा खासा कॉस्टली होता है, क्यों, कल को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो मुँह फाड़ के हम पैसे मांगेंगे कंपनी से, और अल्टीमेटली छोटी कंपनी हमें अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, ना ही हम किसी छोटी कंपनी में जाने को प्रेफर करेंगे, क्यों, हमें पता है कि यहाँ से हमें पैसे नहीं मिलने, ना ही आगे यहाँ से कोई ग्रोथ का चांस है, कहाँ पर हम जाएंगे, बाग बाग के मल्टी नेशनल में, क्यों, वहाँ से पैसे भी अच्छे मिलेंगे, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी और आगे ग्रोथ के चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन मल्टी नेशनल में तब जाएंगे जब हम बनेंगे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हमारे नाम के साथ अच्छी फर्म का टैग होगा, कौन सी अच्छी फर्म, टॉप फर्म जिनको दुनिया जानती है, छोटी छोटी फर्म्स के पास मल्टी नेशनल कंपनीज नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, क्योंकि सिस्टम नहीं है वहाँ पे, गंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे नहीं हैं, इसलिए ऑडिट भी छोटी फर्म से नहीं करवाएंगी मल्टी नेशनल, किससे करवाएंगी, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से, बिग फोर, बिग फोर जो पहले कभी बिग फाइव होती थी, एक ख़त्म होगी पीछे बिग फोर रह गई थी। सो क्या करना है हमने इसके अंदर से, ये सेवन कॉन्सेप्ट्स हमें डिस्क्राइब करने आने चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच के ये तीन स्टेप्स हमें लिखने आने चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च की एप्लीकेशन हमें कोई पांच पॉइंट लिखने आने चाहिए, ऐसा सेपरेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकल आएंगे, और हमें ये इम्प्लीकेशन की दो लाइनें भी लिखनी है। अभी हमारे पास कोई अच्छे 18 मिनट्स बच गए, इन 18 मिनट्स के अंदर हमें चार चीज़ें अभी लर्न करनी है, 1, 2, 3 प्लस हॉलिस्टिक अप्रोच। सबसे पहले क्या करो, इजी काम हॉलिस्टिक अप्रोच के तीन स्टेप्स विद इन 5 मिनट्स ये हो जाएंगे, उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक को एक दफ़ा लर्न करके डिफाइन करो, फिर ऑप्टिमाइजेशन और फिर मॉडलिंग, अभी ये विद इन 18 मिनट्स काम हो जाएगा। ये सारी एप्लीकेशन यही वाली और ये दो तरह की गेम है डिसीजन मेकिंग की, जीरो सम, नॉन जीरो सम। हमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये अप्लाई नहीं करना, ये अप्लाई करना है, सब का बेस्ट देखना है, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं। हाँ, जीरो सम पे कौन चलती है, मिलिट्री चलती है, क्यों, जंग वार बिहेवियर है वो, क्या आपने अपना बेस्ट देखा, दूसरे का बेस्ट नहीं देखा, और वो मिलिट्री कारी क्या रही होती है, वार, बम फाड़ना है तो फाड़ना है, बेशक उस दहशतगर्द के साथ मासूम जाने भी जाती हैं तो जाएं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये चार कॉन्सेप्ट छोटे छोटे अभी लर्न करके लिखने जा रहे हैं, ताकि ये थ्योरी हमारी पक्की हो जाए, और उसके बाद हमारी थ्योरीज हो गई ख़त्म, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, एक टॉपिक और रहता है चैप्टर में, जो होपफुली हम कल कवर करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, अभी हम ये थ्योरी वाइंड अप कर रहे हैं। सो पहले हॉलिस्टिक अप्रोच के तीन स्टेप्स प्लीज लिखने आते हैं वो आपको, उसमें लर्न करने वाली कोई चीज नहीं है। कॉपी पेन, कॉपी पेन आपके सामने चाहिए मुझे।